पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन शनिवार को पहली बार जीएमएम के रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय पहुंची। उन्होंने 21 अप्रैल को धुरवा के शहीद मैदान में होने वाले इंडिया गठबंधन की महारैली को लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कल्पना सोरेन ने कहा कि आज समय कम होने के कारण ज्यादा बातें नहीं हो सकी। आज मुलाकात का मुख्य उद्देश्य है 21 अप्रैल की महारैली में कार्यकर्ताओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। बता दें, इस बैठक में सभी जिलों के रांची, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, चतरा, सिमडेगा और लातेहार जिला अध्यक्ष पहुंचे थे। वहीं कार्यालय में अभिषेक कुमार उर्फ पिंटू भी मौजूद थे। कल्पना सोरेन ने कहा, हेमंत जी का जो सपना रहा था, जिसे बीच में बाधित किया गया, उस चीज को लेकर उलगुलान के साथ आगे बढ़कर पूरे राज्य को तथा पूरे देश को ये बताएंगे कि किस प्रकार केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने संविधान पद पर बैठे हुए हेमंत जी को और अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला, ये उलगुलान है। और इंडिया गठबंधन की रैली को कैसे मजबूती दी जाए, इस पर आज बातें हुई। इंडिया गठबंधन का महारैली होने वाला है, जिसके लिए हमारे जिला स्तर से सारे कार्यकर्ता गण आए हैं। और बस मुझे यही था कि क्योंकि आज कम समय है और डुमरी भी जाना है, जगन्नाथ चाचा जी का पहला पुण्यतिथि है, वहाँ उनकी धर्मपत्नी जी से भी उनके परिवार से मुलाकात करनी है, तो आज बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो पाई हैं। तो बस यही मेरा कहना था कि आप इस रैली को मजबूती के साथ, सारे के सारे हमारे गठबंधन के जितने लोग आज पार्टी के यहाँ पे लोग जितने आए हैं, सभी से यही दरख्वास्त किया कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। और हमारे हेमंत जी का जो सपना रहा था, जिसको बीच में बाधित किया गया है, उस चीज़ को हम उलगुलान के साथ में आगे बढ़ करके पूरे झारखंड राज्य, पूरे देश को बताएंगे कि केंद्र सरकार किस तरीके से और झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। संवैधानिक पद पे बैठे हुए हमारे हेमंत जी को भी जेल में डाला इन्होंने, दिल्ली के केजरीवाल जी को भी जेल में डाला है, तो ये उलगुलान है। और इंडिया गठबंधन की इस रैली को किस तरीके से मजबूती दी जाए, इस पर मेरी बातचीत। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।